गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। यस, शेड अप, यू वाज आस्किंग यस्टरडे लाइक यू नो कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स एंड डिफरेंट क्राइटेरिया यस ऑफ सर, ट्रायंगल। एंड दैट एज वेल एज हाउ एग्जैक्टली टू टेक रेशियोज व्हेन द शेप्स आर यस एग्जैक्टली यस मैचिंग। यस 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 विल गो विद दैट, नो प्रॉब्लम। एंड अनुदीप, यू वाज आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस एज वेल, राइट? सो विल सॉल्व दैट एज वेल। ओके, हाँ हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो द बेसिक ऑफ दैट, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट। आपको पता होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है। कॉन्ग्रुएंट का मतलब, अगर ये एक ट्राइंगल होता है सिमिलरली दूसरा ट्राइंगल के साथ, देखो देखो मैं बताऊंगा आपको, एक मिनट। ठीक है, पहले आपको क्या पता होना चाहिए, देखो मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंट पता होना चाहिए। ठीक है, मैं थोड़ा रिवीजन कर लेंगे गाइस, डोंट टेक इट मच टेंशन। ठीक है, व्हाट एवर आई एम जस्ट गिविंग यू नो, लेट अस बी यू नो स्टिक टू योर बेसिक, दैट्स इट। ठीक है, डोंट वरी बिकॉज टुमारो यू हैव एग्जाम, सो इन दिस टाइम यू जस्ट हैव टू रिवाइज, दैट्स इट। नीड नॉट टू लर्न ए न्यू कॉन्सेप्ट। आपको जो भी जितना भी आता है उसको थोड़ा संभाल लो, उसको थोड़ा रिवाइज कर लो बस। ठीक है, हाँ देखो पहले मीनिंग ऑफ कॉन्ग्रुएंस क्या होता है, उसका फोर क्राइटेरिया क्या होता है, एंड उसको लिखना कैसे। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द कॉन्ग्रुएंस, व्हाट इज द फोर क्राइटेरिया ऑफ दैट, एंड हाउ टू राइट दैट बेसिकली। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट लाइक यू नो इस व्हाट इज द सिंबल ऑफ दिस, दिस इज सिमिलर सिंबल। अगर ये होता है, अगर ये सिंबल यूज कर रहा है वो, व्हाट इज द सिंबल डिनोट्स हियर, कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, एंस, कॉन्ग्रुएंस, एक मिनट। ठीक है, अगर मेरे पास देखो कुछ भी ले लो बेटा, ठीक है मेरे पास ये देखो, ध्यान से सुनिए एवरीवन, आई हैव दिस यू नो, ठीक है, नाउ आई एम सेइंग दिस अ रेक्टेंगल, दिस अ नंबर वन रेक्टेंगल, दिस अ नंबर टू रेक्टेंगल। आई एम सेइंग दैट नंबर वन रेक्टेंगल इज नंबर नंबर वन रेक्टेंगल इज सिमिलर टू नंबर टू रेक्टेंगल, आई कैन से दैट, बट आई कांट से दैट नंबर वन रेक्टेंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू नंबर वन नंबर टू रेक्टेंगल, आई कांट यूज दिस सिंबल हियर। आपको समझ में आ रहा है भाई, बिकॉज दे आर सिमिलर बट नॉट इक्वल। देखो इसका साइड देखो, इसका साइड देखो, हाँ एक ही प्रॉपर्टी मैच कर रहा है, वो हो 90 है, ईच साइड इज 90 है। नो यू कांट से दैट वन वन नो प्रॉपर्टीज, वन फैक्टर इज मैचिंग इन बोथ रेक्टेंगल्स, व्हिच मींस यू कांट से दैट बोथ रेक्टेंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, यू कांट से दैट। उसका सभी जो प्रॉपर्टी है, उसका जो भी सभी जो प्रॉपर्टी है तब इक्वल है, तभी हम लोग बोलते हैं वो सिमिलर एज वेल एज लाइक यू नो वो सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हाँ देखो सिमिलर एंड इक्वल मतलब सिमिलर एंड इक्वल, दिस इज सिमिलर सिंबल, ये जो सांप दिख रहा है ना सांप, हाँ ये सिमिलर ये इक्वल, अगर सिमिलर एंड इक्वल है तभी बोलता है कॉन्ग्रुएंट, समझ रहे है? हाँ देखो मेरे पास अभी और एक ट्राइंगल है, कुछ भी ऐसा ले लो, देखो रेक्टेंगल थ्री है, नाउ आई कैन से दैट, आई कैन से दैट नाउ ट्राइंगल सॉरी रेक्टेंगल वन एंड थ्री आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, दोनों दिखने में आसपास एक ही दिख रहा है ना। अगर एक एंड इफ आई कंपेयर वन एंड टू हियर, इफ आई कंपेयर वन एंड टू, आई कॉन्ट से दैट यू नो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, आई कैन से बोथ आर सिमिलर टू ईच अदर, वन इज सिमिलर टू टू, आई कैन से दैट। नाउ लुक एट, वन इज कॉन्ग्रुएंट टू थ्री, ठीक है सिमिलर एंड इक्वल है ना दिखने में, दैट इज वॉट कॉन्ग्रुएंट इज ऑल अबाउट। ये आपको जितना समझ में आना, बस जितना इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर उसका डिफरेंट क्राइटेरिया क्या होता है, आपको समझ में आ रहा है शदब? यस सर। हाँ देखो दिस इज वॉट, ठीक है देखो देखो कॉन्ग्रुएंट का में इक्वल का साइन भी आता है, दिस फुल्ली कॉल्ड एज कॉन्ग्रुएंट, ये सांप दिख रहा है ना उल्टा, यस ऐसा, इसको बोलता है सिमिलर, ये इक्वल सिंबल को इक्वल सिमिलर एंड इक्वल होगा उसकी, उसी को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, नाउ विल टॉक अबाउट ट्रिपल एस क्राइटेरियन। ठीक है, ट्रिपल एस क्राइटेरियन, इसको ट्रिपल एस क्राइटेरियन का मतलब क्या होता है, एक बार रिवाइज कर लेंगे, सबको पता होगा मगर एक बार कर लेंगे कोई ना। अगर मेरे पास दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, ठीक हो, इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, हाउ टू कंपेयर, मेनी ऑफ द चिल्ड्रन डोंट नो हाउ टू देख नो ऑर्डर कंपेयर करना। देखो मेरे पास ये ट्राइंगल है ए बी सी ट्राइंगल है, तो मेरे पास अब और एक ट्राइंगल ले लो पी क्यू आर। ठीक है, मेरे पास दो ट्राइंगल है, देखो इसका साइड ये भी दिया है तीन, ठीक है इसका साइड सात, कुछ भी ले लो ऐसा, या पांच इधर चार, तो देखो इधर मेरे पास दिखने में ए बी किसके बराबर दिख रहा है, इधर दूसरा ट्राइंगल में PQ के बराबर, राइट? ए बी इज लुकिंग लाइक, इफ यू कंपेयर ए बी इट इज लुकिंग लाइक पी क्यू, सो वो भी तीन होना चाहिए मुझे, बोथ ट्राइंगल्स ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट,
for saying that both the sides, like corresponding sides, should be equal here. I'm talking about side कर रही थी यार, right? So PQ should be equal to AB here. Yes, 3 है. तो मेरे पास AC थोड़ा बड़ा वाला दिख रहा है ना, AC वो किसके बराबर होगा? PR के बराबर. वो भी 5 होना चाहिए. अगर देखो BC किसके बराबर है? QR के बराबर है, तो ये भी 4 होना चाहिए. देखो देखो बेटा, इसमें क्या होना चाहिए? साइड जिसमें देखो AB साइड उठा लो, इसका करस्पॉन्डिंग साइड क्या है? PQ. ठीक है, PQ उसका बराबर होना चाहिए. इफ यू दिस गाइस यू नो देयर इज नथिंग लाइक दैट. There is a no rule and regulation. There is a no term and condition that both triangle should place in the same order. ऐसा कुछ भी नहीं है. तो triangle को फिरा के भी, उसको घुमा के भी दे सकते हैं, ऐसा भी दे सकते हैं. ठीक है, इसको आपको समझना चाहिए. कैसा समझना है? हम लोग first we'll just complete this criteria, then we'll go for that. ठीक है बेटा, ठीक है, shut up. Yes, पहले हम लोग ये देखेंगे. हम लोग first we'll just look, yes, at this. हाँ, look at this. This triple S तो सिंपल है, सबका corresponding side equal होना चाहिए. अगर equal है तो I can say that this is similar as well as equal, which means both are congruent to each other. ठीक है, yes, ठीक है समझ रहे हैं इसको? How can you say that? Look at this now, triangle can write triangle, इसको लिखते हम लोग triangle ABC is congruent to triangle PQR. Now अगर दो triangles congruent each other है तो उसका angle भी बराबर होगा. ठीक है, समझ रहे हैं बेटा? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, तो वो तो ऑफकोर्स है, ऑफकोर्स बात है. ठीक है, तो उसका एंगल है ना, एंगल ये किसके बराबर होगा? पी क्यू के बराबर. पी के बराबर ये बी है ना, किसके बराबर होगा? क्यू के बराबर होगा. ठीक है, ये सी है ना, ये किसके बराबर होगा? आर के बराबर. ठीक है, ऐसा वो भी अगर इफ आई एम सेइंग बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, आई कुड से दैट देयर करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. आया समझ? समझ रहे? Yes, we'll go for the next one. Yes, sir. ठीक है, हाँ. एक ही ध्यान में, लेकिन एक ध्यान में, just keep one thing in mind, ये similar होता है, ये congruent होता है. ठीक है, हाँ. Now we'll talk about second criteria. Second criteria is what? Side, angle, side. Yes, yes. देखो, मेरे पास अगर ये है, ठीक है, क्या है? अगर दो triangles ले लो, ऐसा कुछ भी. I need to prove this. I need to prove these two triangles are congruent to each other. Look at, मेरे पास देखो, ये मेरे पास देखो साइड 5 है, ये 7 है. ठीक है, ये एंगल है. ठीक है, ये कुछ भी ले लो, ये 45 जैसा देखो, 45 ले लेंगे. ठीक है, अगर मेरे पास ये क्या है, ये भी ट्राइंगल, देयर आई एम नॉट गिविंग द नेम ऑफ द ट्राइंगल, जस्ट देखो सिंपल सा बात, साइड एंगल साइड. ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए. ऐसा नहीं होता कि इधर साइड ले लिया, इधर एंगल ले लिया, फिर ये ले लिया, ऐसा गलत नहीं करना चाहिए. ठीक है, ऑर्डर सेम होना चाहिए. अगर ये साइड ले रहे हो, साइड उसके बाद एंगल उसके बाद साइड, फिर से ऐसा लेना चाहिए, ऑर्डर में लेना चाहिए. यू शुड टेक इन ऑर्डर गाइस, यू कांट टेक दिस साइड फर्स्ट, दिस एंगल, देन फिर से दिस साइड, ऐसा नहीं ले सकते हो. समझ रहे? साइड एंगल, साइड एंगल, ये साइड, यू कांट टेक लाइक दिस. आपको समझ में आ रहा है मैं जो भी बोल रहा हूँ? गाइज, यू शुड टेक इन अ सेम ऑर्डर. अगर ये देख रहे हो आप, देखो अगर ये टेक साइड एंगल, यू कैन टेक दिस वे. ठीक है, ऑर्डर में होना चाहिए. अगर ये साइड एंगल साइड, यू कैन टेक लाइक दैट. यू कांट टेक, यू नो, इधर एक साइड ले रहे हो, इधर एक एंगल ले रहे हो, फिर से ये साइड ले रहे हो, ऐसे यू कांट टेक लाइक दैट. आपको समझ में आ रहा है बेटा? तो ध्यान से कंपेयर कीजिए. yes. हाँ, ये तो बेसिक थिंग, एवरीवन माइट बी नोइंग दैट. यस, नाउ मेरे पास देखो इधर, हाँ देखो ये 5 है, तो ये भी बराबर 5 होना चाहिए. ये 45 है, तो ये भी 45 होना चाहिए. अगर ये जो नीचे वाली पार्ट है, ये 7 होनी चाहिए. ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, then only I can say that similar as well as congruent to each other. ठीक है, so both these two triangles satisfies by you know saying, let us give the name A, B, C, P, Q, R. Now can I say triangle ABC is congruent to triangle PQR by using what criteria? By using what rules? SAS criteria. Yes. By using SAS, I could say that both triangles are equal. ये तो आपको समझ में आया? Yes. And sir, there is one criteria that is not possible. What was that criteria? I will discuss. ठीक है? देखो, मेरे पास A, yes, ये है. Angle, side, angle. ठीक है? कैसे देखेंगे? Angle, side, angle. इसको देखो कैसा करेंगे, एक मिनट, थोड़ा मुझे स्पेस. यार माउस नहीं काम कर रहा. चलो देखो, हाँ ये है. इफ यू वांट टू प्रूव, लेकिन दो ट्राइंगल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. देखो एंगल मिले, मुझे ले लो,
ए है, कुछ भी ले लो, ए बी सी, ठीक है। मेरे पास एंगल है, ये कितना है, कुछ भी ले लो, ये सब 50, ठीक है। एंगल साइड, ये एंगल 40, ठीक है। ये कुछ भी ले लो, इसको 5 ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। देखो फिर से एंगल, ये साइड एंगल, यस गाइस यू शुड टेक इन ऑर्डर ओनली, एंगल साइड एंगल, ये भी 50 होना चाहिए वो कांग्रुएंट बोलने के लिए, ये 40 होना चाहिए, ये 5 होना चाहिए। सो नाउ आई कैन से दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट टू ईच अदर बाय यूजिंग सीपीसीटी, ठीक है। यस सर, गाइस लुक एट दिस, दिस टू ट्राइंगल, इफ आई एम सेइंग दैट, लुक एट दिस, आई एम सेइंग दैट दिस टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट टू ईच अदर, मैं क्या बोल सकता हूँ उसका, देखो ये एंगल भी बराबर होना चाहिए, ठीक है, एंड ये एंगल तो ऑफकोर्स बराबर है, ये एंगल तो ऑफकोर्स बराबर है, ठीक है। इफ आई एम सेइंग टू ट्राइंगल्स आर कांग्रुएंट टू ईच अदर, देयर करस्पोंडिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, ठीक है। यस, नेक्स्ट विल टॉक अबाउट आर एच एस, नेक्स्ट क्राइटेरिया इज आर एच एस। गाइस आई एम गोइंग समवट क्विकर क्विकर इन अ क्विकर वे सिंस इट्स अ रिविजन, हमने पहली बार तो नहीं पढ़ रहे ना, हाँ राइट हैंड साइड, ठीक है। ये राइट हैंड साइड, ये राइट का मतलब क्या होता है, देखो 90 degrees, ये राइट एंगल, वी आर टॉकिंग अबाउट राइट एंगल, हाइपोटेनियस, इसका मतलब हाइपोटेनियस, ये क्या होता है साइड, ठीक है। आपके पास दो राइट एंगल ट्रायंगल होगा ऐसा, गाइस आपको सभी बच्चों को एक एक बार यू नो डाउट आता है कि आर एच एस क्राइटेरिया विल नॉट सेटिस्फाई फॉर यू नो एनी ट्रायंगल, गाइस इट सेटिस्फाई फॉर ओनली राइट एंगल ट्रायंगल। इसका मतलब क्या होता है, आर एच एस का मतलब होता है एक ही 90 होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो दो 90 होना चाहिए, ठीक है। देर इज अ नो कंडीशन दैट नो यू कैन हैव टू 90 degrees एंगल, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही 90 होना, इसका मतलब क्या है, आर एच एस का मतलब एक ही 90 है, देखो ये 90 है, ठीक है, 90 इधर 90 इधर, हाँ। एक हाइपोटेनस देखो, इसको कुछ भी ले लो 3, हाँ इस साइड देखो, इस साइड देखो, इस भी कुछ ले 4, ठीक है। ये चीज़ें आपको मिल जा रही है, देखो एक मिल जा रही है क्या, राइट एंगल, ठीक है, हाइपोटेनियस एंड साइड, ठीक है, ये आपको ये चीज मिल जा रही है, लाइक इफ यू आर गेटिंग दीज थिंग्स देन आई कुड से दैट यस वाई आई कैन गो फॉर आर एच एस, देखो देखो इसका ऑपोजिट ये है ना, देखो ये एंगल 90 है ना, उसका सामने वाली साइड, उसका ऑपोजिट वाली कितना है, 3 3 है दोनों ट्रायंगल में, इसका बेस क्या है, बेस साइड 4 है, तो देखो ये बराबर होना चाहिए आसपास में, तो को भी एक साइड इक्वल होना चाहिए, को भी एक साइड इक्वल एंड हाइपोटेनियस इक्वल होना चाहिए, एंड एक राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, नहीं तीन चीजें आपको चाहिए एक ट्रायंगल को, यस टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर बाय सेइंग आरएचएस कॉन्ग्रुएंट, आरएचएस प्रॉपर्टी क्राइटेरिया, ठीक है, ठीक है। देखो जो बचे वाली ट्रायंगल है, जो बचे वाली साइड है, द रेस्ट ऑफ द साइड्स ऑटोमेटिकली विल बी इक्वल टू ईच अदर बाय यूजिंग यू नो कॉन्ग्रुएंट, यस आर नो, जो रेस्ट ऑफ द साइड्स विल बी ऑफ कोर्स विल बी इक्वल बाय सेइंग यू नो बाय वी आर सेइंग कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, राइट, दैट दिस ट्रायंगल 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल 2 आई एम सेइंग, व्हिच मींस देयर करस्पोंडिंग एंगल्स एंड साइड्स शुड बी इक्वल, ठीक है। अगर मेरे को एक इसको बोलने के लिए मुझे एक राइट एंगल चाहिए, एक हाइपोटेनस चाहिए, एक साइड चाहिए, आसपास में इक्वल होना चाहिए करस्पोंडिंग थिंग्स, ठीक है, हाँ, बाय यूजिंग करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, करस्पोंडिंग पार्ट्स बाय यूजिंग सीपीसीटी आई कुड से दैट दिस टू आर इक्वल, ठीक है। जो बचे हुए एंगल है ना, ये भी देखो, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सब इक्वल होना चाहिए बाय यूजिंग सीपीसीटी रूल, करस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, देखो देखो गाइस दिस फोर, इफ एनी क्वेश्चन इज गोइंग टू आस्क यू देन यू हैव टू यूज दिस फोर क्राइटेरिया एंड जस्ट यू नो टेक इट अवे, लेको दिस, हाँ सर, दीज आर फॉर कॉन्ग्रुएंसी, राइट, यस, आर देयर डिफरेंट रूल्स फॉर सिमिलर, हाँ देखो मेरे पास, सॉरी, हाँ देखो मेरे पास ये है, व्हाट अबाउट दिस, एनी वन ऑफ यू, ये तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, हाँ but sir this AAA guys, is not देखो, congruency, look at this here guys, this ये कोई आपका क्राइटेरिया कोई ऐसा कुछ नहीं है, ये
ट्रिपल ए, दीज आर नॉट क्राइटेरिया, ठीक है। हाँ अगर क्यू नहीं है मुझे बताओ, ये ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। द फोर अबव व्हिच आई टोल्ड बेटा, वो हमारा कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया होता है। ये दोनों पांचवा नो छठवा है ना, ये नहीं हो सकता, ठीक है। द फिफ्थ वन एंड सिक्स्थ वन इज नॉट, कोई क्राइटेरिया कुछ नहीं है इसका। अगर आई थिंक सिक्स्थ वन इज देयर, सॉरी सर, एएस इज देयर सर, मैं बताऊंगा बताऊंगा, लुक एट दिस हियर ना। देखो मैंने कैसे बताएंगे हम लोग, लेट मी टेल यू, ट्रिपल एस ट्रिपल ए, ठीक है। देखो इसका कोई ट्रायंगल ले लो ऐसा, एक दूसरा ट्रायंगल ले लो, कुछ भी, ठीक है। मेरे पास कोई देखो सब 60-60 है, ठीक है, सब 60-60 है, देखो मेरा ये है 5 5 5 7 7 7, ठीक है। अगर मैंने ये देखो ये क्राइटेरिया के साथ काम करूं, अगर ये क्राइटेरिया के साथ काम करो कैसा मैच करेगा बताओ, सर। आई सेड ए सर, नो नो नो, आई एम जस्ट गिव, यस आई विल कम टू दैट एज वेल, ओके सर। बेटा देखो इधर, इधर इसका साइड देखो 5 है, इसका साइड 7 है, इधर एंगल एंगल सब इक्वल है, इधर ये एंगल सब इक्वल है, हाँ। मगर साइड देखो बेटा, साइड देखो कहां से होगा, ठीक है, दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मगर उसका साइड देखो। अगर हमको क्या होना चाहिए, अगर कॉन्ग्रुएंट बोलने के लिए एक ट्रायंगल लिया ना, देखो एक ट्रायंगल अगर उसके ऊपर ओवरलैप कर रही है तो, अगर गाइस लुक एट दिस, इफ यू टेक अ पेपर देन ओनली यू कैन इमेजिन एक्चुअली प्रैक्टिकली, अगर एक ट्रायंगल को ऊपर, इफ आई एम जस्ट प्लेसिंग अ ट्रायंगल ओवर अदर, सो द बॉटम ट्रायंगल शुड नॉट बी विजिबल, ठीक है, उसका सब आसपास पे सब एक ही होना चाहिए, तभी बोलते हैं हम लोग। समझ में आ रहा है ना आपको मैं जो बोल रहा हूँ, शट अप। यस सर, हाँ ये तो कॉमन है ना, तो बाय यूजिंग दिस ट्रिपल ये नहीं होता है, ऐसा कुछ क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। हाँ ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट ऐसा कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं है, इसका साइड देखो बड़े 5 है तो 7 है, ठीक है, होप समझ में आएगा, आया होगा। चलो गाइज यू हैव ओनली फ्राइट क्राइटेरिया, 4 क्राइटेरिया, यू नो इस तरह के क्वेश्चन कभी नहीं सॉल्व करना, देखो ओनली 4 क्राइटेरिया विच आर ट्रिपल एस, यस यस एंगल यस arches by using these 4 criteria you can just solve it, theek hai, ha guys these are the only 4 criteria which we have to use for that, theek hai, ha look at this now, aas you are saying aas guys, aas what can you say aas, angle angle side, ha dekho aisa kuch bhi dekho hamare paas kya hai, AAS. अगर मैंने ले लिया इसको आपको, देखो मेरे पास ये है ए एस, ये है एंड ए एस है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है बताओ मुझे, आई एम सेइंग दैट ए एस ये इज अ करेक्ट वन, आई एम नॉट, वी डोंट हैव एनी नो क्राइटेरिया फॉर दैट ए एस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, देखो मैंने बताऊंगा आपको, I think we have learned this, but look at this here. We see the difference of this. By using angle, side angle. ठीक है, this is ASA. ठीक है, हाँ. अगर if I talk about angle side. देखो इसको ऐसा कुछ भी ले लो, ठीक है, हाँ ये मेरे पास एंगल साइड, देखो एंगल इधर है बीच में साइड है, एंगल साइड. सो गाइस आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वेन एवर यू गेट द 4 विच आई टोल्ड, दोज आर ओनली कॉन्ग्रुएंस लाइक यू नो क्राइटेरियाज, सो वे व्हाटएवर द क्वेश्चन यू गिव, व्हाटएवर द क्वेश्चन यू नो
यू हैव मैक्सिमम, देखो बेटा ये चार, ये फोर क्राइटेरिया से ही हम लोग बनाएंगे कुछ भी क्वेश्चन, मैक्सिमम यू यूज दिस फोर क्राइटेरिया, आपको समझ में आ रहा है? तो ज्यादा क्या बोलता है, हम लोग ज्यादा डिस्कस भी करेंगे तो भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा फिर से. यू जस्ट आई एम टेलिंग यू राइट, व्हाट एवर द क्वेश्चन गिव्स यू जस्ट यूज दिस फोर क्राइटेरिया एंड गो फॉर दैट. ठीक है, एंड नाउ विल गो फॉर दैट, नाउ विल गो फॉर द व्हाट, वो हम लोग रेशियो कैसे लिख सकते हैं. ठीक है, यस सर. Angle, angle, side criteria. You can take angle, angle, side criteria. You can take like this as well, but you use the four only. ठीक है, चलो हम लोग अभी क्या करेंगे, वो ratios कैसा करेंगे देखेंगे. We'll take about the ratios. ठीक है, हम लोग लिखता कैसे है, what is the right, what is the correct way of writing that part actually. ठीक है, तो हम लोग एक बार एक example ले लेंगे इसके साथ हम लोग. ठीक है, how to write congruence triangle, how to write congruence triangles. ठीक है, हाँ देखो मेरे पास ये है, अगर ये कुछ भी एक ट्राइंगल है. ठीक है, ठीक है, मेरे पास ऐसे कुछ एक ट्राइंगल है. ठीक है, कुछ भी ऐसे ले लो. नाउ आई एम सेइंग दैट this is triangle ABC. ठीक है मैम, एंड वन मोर थिंग, इट इज अ पी क्यू आर. ठीक है, तो देखो बेटा मेरे पास ये पांच है, 5 सेंटीमीटर, ये मेरा 3 सेंटीमीटर है कुछ, ये मेरा कोई 7 सेंटीमीटर है. ठीक है, हाँ हाउ कैन यू आइडेंटिफाई, कैसे पहचान सकते हैं हम लोग, हाउ कैन यू लेकिन पहचान ये विच साइड इज गोइंग टू बी 7, विच साइड इज गोइंग टू बी 5, विच साइड इज गोइंग टू बी 3 सेंटीमीटर. ठीक है, मैंने बताऊंगा देखो आपको. देखो आई एम सेइंग दैट, आई एम सेइंग दैट ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल. नाउ आई शुड आई राइट हियर पी क्यू आर और आर पी क्यू आर क्यू आर पी, इसमें उसे कौन सा बराबर है. देखो मेरे पास तो ए, तो ए बी सी तो बराबर है. ठीक है, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट किसके साथ है, पी क्यू आर के साथ, आर पी के साथ, व्हाट इज ऑर्डर, क्यू आर पी, क्यू आर पी, व्हाट इज ऑर्डर. देखो देखते हैं हम लोग whether you are correct or not, let's see that, let's see that. देखो ये बच्चे ने RPQ not QRP, दोनों गलत हो जाता है. देखो RPQ हम लोग देखेंगे एक बार बच्चों ने कैसे लिख सकते हैं, we'll see that. This is what many 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 students will make mistake. बेटा ये ज्योमेट्री को थोड़ा करने में थोड़ा पेशेंस चाहिए, ऐसे अगड़ बगड़ नहीं आ जाता ये. ठीक है, बहुत क्या बोलता है इसको, बहुत पेशेंस चाहिए, दिन चेयर चला पेशेंस अवसर. ठीक है, सो जस्ट लुक एट दिस ईयर, तो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट ईयर, लेट्स सी हाउ. ठीक है, फर्स्ट यू नीड टू बी क्लियर विद द कॉन्सेप्ट. हाँ गाइस, यू नीड टू, यू शुड नॉट राइट यू नो गलत एंगल एंड गलत साइड के साथ दूसरा एंगल. यू नो यू कांट राइट ए बी, यू नो इधर ए बी क्या है, पी आर के बराबर है. यू कांट टेक दिस फाइव एंड राइट हियर, यू कांट टेक दैट, विल बी रॉन्ग अगेन. ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है. तो ये बेस में दिख रहा है सर, ये बेस है तो ये भी बेस हो जाएगा, तो ये 5 लिख दूंगा मैंने, थोड़ा ये लंबा दिख रहा है ये 3 लिख दूंगा, ये जो हाइपोटेन्यूज दिख रहा है ये 7 लिख दूंगा, ऐसा नहीं बनेगा बेटा. तो को ध्यान से सुनना है, एक बार देखो ऐसा कैसा पहचानते हैं हम लोग. ठीक है, बच्चों ने बहुत गलत करता है इधर. ठीक है, हाँ हाँ गाइस, यू नो देर इज नो रूल क्राइटेरिया एज आई टोल्ड दैट, अगर इफ दे आर आस्किंग यू टू प्रूव टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर, देर इज नो सच रूल दैट दे शुड बी इन सेम शेप एंड सेम ऑर्डर एंड ऑल. उसको फ्लिप भी कर सकता है. ठीक है, ठीक है, एंड यू नो दिस कैन बी लाइक दिस एज वेल. अगर मैं शेप्स बताऊंगा आपको, अगर ये है तो आपको आसान हो जाएगा काम, अगर ये ट्रायंगल ऐसा है तो इसको ऐसा फ्लिप करके भी पूछता है वो. ठीक है, अगर ये ऐसा है तो वो क्या करेगा, और एक ट्रायंगल को क्या बना देगा, लुक एट दिस, ही विल बी गिविंग यू वन मोर ट्रायंगल लाइक दिस. आपको समझ में आ रहा है, ये दोनों देखो, ये तो कॉमन रीजन है फॉर बोथ, then you have to take the no common way. समझ में आ रहा है आपको, जो different shapes, overlapping, this overlapping बोलते हैं इसको हम लोग. ठीक है, ठीक है,
let me just erase this. Now look at this. You can just see the diagram. देखो बेटा आपको देखो इस आपको ए बी देखो मेरा ए बी के साथ ए बी इज इक्वल टू व्हाट किसके बराबर होता है आर एल से देखो ए सी मेरे पास ए सी हाउ मच हियर ए सी हैव 7 सेंटीमीटर वो ए सी 7 सेंटीमीटर व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ए सी हियर बताओ मुझे यस देखो ये 7 है देखो सी बी ये सी बी है ना और बी सी है ना वो किसके सामने दिख रहा है व्हाट इज द इक्वल लेवल लाइक व्हाट इज करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ दैट बताओ मुझे पी क्यू ना पी क्यू सो ये 3 ये पी आर है ना पी आर किसके बराबर होगा 5 ठीक है हाउ हाउ कैसे लिखेंगे देखो मेरे पास क्या है ट्रायंगल ए देखो बेटा मेरा ट्रायंगल देखो ये ट्रायंगल देखो पोजीशंस लिखेंगे दिस इज 1 दिस इज 2 दिस इज 3 ठीक है ए फर्स्ट पोजीशन पे है बी सेकंड पोजीशन पे है सी थर्ड पोजीशन पे है ठीक है ये किसके साथ होगा डैश ठीक है हाँ देखो मेरे पास 1 2 इफ आई टेक 1 2 देखो बेटा लेट मी इरेज दिस एंड यू ए थोड़ा एक मिनट हाँ ठीक है हाँ मेरे पास आई हैव पॉइंट ये देखो मेरा ए ए इज व्हाट हियर ए इज अ फर्स्ट पोजीशन दिस अ फर्स्ट पोजीशन बी इज अ सेकंड पोजीशन ठीक है मेरे पास ए फ्रॉम ए आई हैव 7 सेंटीमीटर If I look at the sides from A, I have 7 centimeters and 5 centimeters. ठीक है हाँ देखो ठीक है मेरे पास कौन सा साइड है 7 and 5 दिखने वाला देखो भाई boys and girls boys look at this here from A if I look so I am able to see A के adjacent what are the adjacent sides of A here 5 and 7 तो what are the adjacent side of which vertices which vertex has like you know 5 and 7 सेंटीमीटर एडजेसेंटली आर तो अभी मेरा क्या आएगा इट स्टार्ट्स विद आर हियर आपको समझ में आ रहा है देखो हाँ इफ आई टेक बी से देखेंगे तो मेरे पास कौन सा एडजेसेंट है 5 and 3 तो 5 and 3 आसपास होने वाला कौन सा है ये है तो आर सो पी होता है ठीक है हाँ अगर दूसरा वैसे ही देखो लुक एट द सर आई सेंट यू अ क्वेश्चन ऑन वाइज ऐप कैन वी सॉल्व इट आफ्टर दिस यस 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 नो प्रॉब्लम Look at this. Actually, Shadow, this guy also has questions. Trigonometry. We'll solve that. No problem. देखो RP ये है ना. तो बचा क्या है? RP. Just one. Yeah, RPQ. ठीक है. आया समझ? RPQ. This is what. This is how you need to find it out. आपको समझ में आया बेटा? Guys, diagram थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है. Yes, diagram थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है. मगर you know, writing that correct triangle is very very important. आपको ये समझ में आया होगा. So yes, yes, shut up, Anujip, tell me. Sir, one doubt related to exam. Sir, looking at the marking scheme of, the weightage of each chapter, can we estimate how many questions will come from that? As per the weightage only, there is no, absolutely no doubt. Aapko diya, do you know what is the weightage? Sir. Aapko weightage pata hai kya? Yes, sir. No, sir, I don't remember it well. Okay, no problem. Look sir, highest is algebra. Algebra. No, I'll show it out. Look at this here. Yeah, first term, look at this here. Marks. Highest, number system says 6 marks. From number system, you get 6 marks. Algebra, 10 marks. Coordinate geometry, 6 marks. Geometry, 6 marks. Trigonometry, 5 marks. Mensuration, 4 marks. Statistics, 3 marks. देखो अल्जीब्रा में क्या क्या कवर रहता है देखो यू जस्ट यू कैन नंबर नंबर सिस्टम में रियल नंबर रियल नंबर्स एंड अल्जीब्रा में पॉलीनोमियल्स एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस फ्रॉम दीज टू टॉपिक्स 10 मार्क्स यू आर गेटिंग इट बी गेटिंग 10 मार्क्स ठीक है तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोनों आसान चैप्टर एंड ईजी स्कोरेबल चैप्टर्स ठीक है दैट इज वॉट आया समझ अर्थमिंदा अंजीब लुक एट दिस यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वॉन्ट
Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. Chalo. Now, Shadab has sent a question. Even I sent you a few in WhatsApp. Yeah, yeah. Yes, 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 yes. We will go with that as well. Okay. Oh my goodness. Can you all see the screen here? Yes, sir. What he has given, Dekho. In a triangle ABC. Guys, everyone, please. Every one of you, solve this question. Aapke paas ABC hai and DEFB hai. Can you see whatever I'm writing here? Hello? No, sir, you're not reading it. I'm writing the baba. Mera pen kaam kar raha nahi. Ek minute. एक मिनट गाइस, लेट मी डिस्कनेक्ट इट एंड जॉइन इट अगेन. कनेक्ट करो भाई. हाँ चलो, आपके पास क्या है? देखो, मेरे पास टू ट्रायंगल्स है. कौन सा? लेट मी टेक दिस ट्रायंगल. एक मिनट, ये क्या है? दिस ट्रायंगल. ठीक है, समझो दोनों. ऑप्शन सी. ऑप्शन सी इज राइट आंसर. देखने से ही हम लोग बोल सकते हैं ऑप्शन सी इज करेक्ट. लेट सी हाउ इट इज करेक्ट. मेरे पास देखो ट्रायंगल ये, बाय लुकिंग एट दैट यू कैन सी इमीडिएटली ऑप्शन, लेकिन ट्रायंगल एबीसी मेरे पास ये है डीईएफ. अरे बॉयज, वन सेकंड भाई, क्या हो रहा है यार, पेन नहीं लिख रहा है. यस इट इज राइटिंग, वन सेकंड. हाँ ठीक है, मेरे पास ये देखो करस्पॉन्डिंग साइड. देखो मेरा ए बी किसका बराबर है? ए बी किसका बराबर है बेटा? ए बी डी ई के साथ बराबर होता है. बी सी तो ई एफ के साथ. ए सी तो किसके साथ है? डी एफ के साथ. ऐसा लिख सकता हूँ ना मैंने? कैन आई राइट लाइक दिस? यस. देखो मेरे पास व्हाट ही हैज गिवन. हाँ, व्हाट ही हैज गिवन हियर? ए बी बाई डी ई, राइट? गिवन दैट ए बी बाई डी ई इज इक्वल टू बी सी बाई एफ डी. ठीक है. हाँ, व्हाट व्हाट क्राइटेरिया आई कैन यूज हियर, बताओ मुझे. What criteria I can use? No, they'll be similar. Triangle ABC and DEF, अगर ये condition है, then they will be similar. What criteria I can use? देखो बेटा, मेरे पास देखो, ध्यान से सुनिए इधर. मेरे पास, if I took, like, what is the angle of this? This angle is framing by what? This angle is framing by what? AB and BC. ठीक है? तो, and मेरे पास देखो. इसके साथ एंड इसके साथ कौन सा एंगल बन रहा है? ई. तो कैन आई से नाउ एंगल बी इज एंगल ई इक्वल टू? नो सर, बिकॉज़ या डी 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 नॉट ए बी. देखो कैन आई से नाउ लेटर द ट्रायंगल डीईएफ डिफरेंट. यस डी. सॉरी, कैन यू प्लीज कम बैक अगेन? ट्रायंगल डीईएफ शुड रीनेम ट्रायंगल डीईएफ इन अ वे वेयर द क्राइटेरिया गिवन इज सैटिस्फाइड. Do you want me to rename that? Look at this. You know, look at this here first. Look at this. Because if you compare it, AD by DE is okay, but BC by FD, it's not okay, right? BC by FD. BC by FD. Haan. Aisa compare nahi hoga. Then what you have to take? You have to flip the triangle. Dekho, mere paas AB hai. AB and BC kaun sa frame kar raha hai? B angle. And AB. Haan. AB kiske barabar hai? To DE ke barabar hai. तो BC किसके बराबर होगा? BC EF के बराबर होना चाहिए, मगर he has given FD, तो ऐसा नहीं होगा. तो लेट मी टेक हियर B होगा, तो B किसका, B एंगल B इज इक्वल टू किसका बराबर होगा? एंगल D के बराबर. ठीक है, वाई बिकॉज देखो मेरे पास AB है BC के साथ, AB एंड BC गिविंग मी एंगल B, एंड इफ आई फ्लिप दिस ट्रायंगल, इसको फ्लिप करेंगे तो देखो कैसा मिलेगा मेरा. कैन आई राइट लाइक दिस? यस आर नो? फ्लिप करके लिखेंगे तो एस आर नो. हाँ देखो, देन डी ई एफ, तो डी एफ करेंगे तो
ए बी एंड बी सी राइट, तो मेरे पास ए होगा, ए बी बी इज इक्वल टू डी, देन बाई यूजिंग वॉट साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाई यूजिंग, कैन आई यूज दैट बाई यूजिंग साइड एंगल साइड, कैन आई से साइड एंगल साइड सर? Huh. Rather than doing this, if we just erase the lettering on the top, mm-hmm. by using SAS, then, I can say that B is equal to D. Tell me, please, please. So instead of D, you should write E, and then instead of E, write D, and left let F stay how it is. Aisa bhi likh sakte ho, dekho ek minute, isko let us write form first. You are saying what? E here? On the top, it should be E. Okay. And then on the bottom left, it should be D. Okay. Yeah, yeah. That triangle which I drawn now, that, you know, you are just, you know, changes their vertices. Uska naam change kar rahe ho na, itna hai na? Yes, sir. In this case, the... then in this case, BD, BD nahi hoga in this case. Dusra ho jayega. Isn't it? Guys, sir, it's saying BC. Look at this. अगर ये है आपका पास, ये है देखो, कैन आई राइट लाइक दिस, दिस ए बी सी, नो कैन आई टेक लाइक दिस राइट एंगल ट्रायंगल, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैंने, दिस कैन बी ए बी सी, नेक्स्ट ट्रायंगल इज व्हाट डी ई एफ, तो हाँ देखो अभी बोल सकता हूँ ना मैंने, ये भी किसका बराबर है, टी के बराबर, PC किसका बराबर है, EF के बराबर, ठीक है, isn't it? Yes or no? But we need FD, right? No, FD, ऐसा नहीं होगा. As per you told us, look at this here now. AB, AB is what here? हाँ, AB, DA, AB, DA, and D, what is DA here? AB by DA, AB by DA. Yes, children. So AB by DE is equal to BC. BC by DF or FD. So yeah, by using that, I can say that B is equal to D. You are right. Shut up. You can write like this as well. Aya? Yes, sir. So angle, like, you know, B is equal to angle D here. Very simple question. Hai. Magar writing, guys, uska naam dena bahut aana chahiye sabko. Do naam, writing their name, giving the vertices. Wo bahut important hai. Writing that, you can just tell that. Or else, aapko nahi samajh, isko ghuma ke likh lo bas. Instead of likh lo, ghuma ke likh lo. Agar aapko ghuma raha hai usko, to phir se aapko confusion nahi ho raha hai, tabhi ghumao usko. Agar confusion hoga, to nahi mat ghumao. Uska vertices change kar do bas. Guys, I'm saying that, if you... get confused by, you know, like tilting the triangle, don't get, you know, don't, you know, make a reverse of that, just try to change the vertices, tab aapko easy se samajh mein aa jayega. To iske barabar kya ho jayega, B is equal to D hoga. Yes, we'll go for Anujit question. So he has sent the question, so I think we'll take extra time as well, no problem. Guys, Anujit, aapka question dekho beta, panchwa question, what is the fifth question here? Everyone solve this question. Ye kiska barabar hota hai? What is the answer of this? I'll write all the questions here. I can't. He has sent me in WhatsApp. And he has sent one more question. Let me write. I think this question already we have solved. And you have sent the same question again. This question, the first one. Secant theta plus tan theta. A kiska barabar, x ke barabar hota hai. Toh secant theta kiske barabar hoga? सेकंड, दिस एज इट इज क्वेश्चन आई हैव गिवन इन एग्जाम एक्चुअली. आपको कितना आदमी, सो गाइस यू रिमेंबर, शट अप जी, आपको ये याद है, आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन, आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस, बोथ क्वेश्चंस वी हैव सॉल्वड, ठीक है, नो प्रॉब्लम. हाँ, द फिफ्थ वन सॉल्व द फिफ्थ वन, सीकेंट पावर ऑफ 4 माइनस सीकेंट स्क्वायर, ये हाउ कैन आई राइट, can I write secant square? If you take secant square common, secant square minus 1, which is 10 square. Khatam. Usme kuch nahi hai. Dekho. Anudip, din etla jiya lal cha. Ikar secant square hindi, ikar secant power of 4 hindi. Secant square ek common di hocha? Yes, sir. Haan. Toh na secant square minus 1, formula enti di? Tan. Secant square A minus tan square A. Enta 1 kada.
So secant square a minus 1 is equal to tan square a kada avuna kada so yes, secant sir. Square a as it is grassi into tan square a rasa ipothad kada yes this is what the answer option unda should I check sir yes option please check the option then according to option you have to check if you don't have this option we have to move in another way if you don't have this option manam vere vidhanga cheyal sir yes so the options are tan square a minus tan to the power 4a okay in terms of tan everything is in terms of tan then secant square can be written as what again secant square a can be written as what 1 plus tan square 1 by cos in terms of vadu mottham tan lo ichadu kabatti so this can be written as what tan square a kada అవునా కదా ఇప్పుడు నేను దీని విధంగా రాయొచ్చు tan స్క్వేర్ a plus tan to the power 4a ఖతం అదే కదా ఆన్సర్ yes కరెక్ట్ yes sir depends on the how the you know as per the demand of the question you have to you know take the decisions ठीक है आया समझ होप इट इज क्लियर आशीष అర్థమవుతుందా ఆశీష్ స్టీవ్ yes sir స్టీవ్ పురియుమా నా నిన్న పేసని నీకు పురియుమా Do you know Tamil? No, sir. You are like you know you. But are... I know a bit, sir. I can understand some. Acha. Okay, right. Next, isko. Sir, little... the options for the second question. Okay, sir. Wait. In terms of what? Then like chat vado. In terms of what he has given? In terms of no, two options are in terms of sine. Two options are in terms of cos. ठीक है कोई ना. देखो, can I take what can I take here now? Can I write this as cos square a whole square? How can I write this? Think. Very good question. Very easy to everyone. Cheppal andar cheppali. Very simple kada beta. Look at this. Ninnu. First answer is what? 2 cos square a minus 1. Option unda? Ayipindi kada. Em ledhu. ఆప్షన్ ఉందా నేను ఇందాక చెప్పాను కదా బాబు లుక్ ఎట్ దిస్ ఐ కెన్ రైట్ దిస్ యాజ్ ఇందాక చెప్పాను కదా ఏ స్క్వేర్ మైన బి స్క్వేర్ ఐ కెన్ లైక్ మనం కైసా లిక్ సక్తాం ఏ స్క్వేర్ ఇస్కో కెన్ రైట్ లైక్ దిస్ ఏ స్క్వేర్ మైన బి స్క్వేర్ కెన్ రైట్ ఆప్కో సమ అర్థమవుతుందా షట్ అప్ వాట్ ఇస్ హిస్ నేమ్ ఏ ప్లస్ బి ఏ మైనస్ బి తో నాకు ఇది ఆన్సర్ ఎంత దీని ఆన్సర్ ఎంత 1 కదా तो cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर ये फार्मूला ఏంటిది చెప్పాలి 1 हां दिस इज व्हाट आई गॉट हियर तो नाउ cos स्क्वायर ये माइनस sin स्क्वायर ये कैन बी रिटन एज व्हाट 1 माइनस cos स्क्वायर ये అవునా రాయచ్చా లేదా हां सो आंसर ఇప్పుడు చెప్పు నాకు టక్కుమని చెప్పాలి ఆన్సర్ టకా టకా బోల్నా చాయే cos స్క్వాయర్ ఏ 2 times of cos square a plus 1 ఇదే కదా ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఉందా చూసుకో ఆప్షన్ ఉందా మైనస్ సారీ మైనస్ ఇ tan cos square a plus 1 మైనస్ మైనస్ 1 మైనస్ 1 నాట్ ప్లస్ 1 డు యు హావ్ ఎన్ ఆప్షన్ ఇట్ ఇస్ దేర్ సర్ yes 2 cos square a minus 1 ఖతం ఇదే ఆన్సర్ దిస్ ఇస్ హౌ యు నీడ్ టు సాల్వ్ బేసికల్లీ ఏంటంటే లుక్ ఎట్ ది షేప్ జస్ట్ కన్వర్ట్ ఇఫ్ యు హావ్ 4 ట్రై టు కన్వర్ట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ స్క్వేర్ సో దట్ ఇట్ బికమ్స్ ఎన్ ఆల్జీబ్రాయిక్ ఐడెంటిటీ ఐ కెన్ జస్ట్ ఎక్స్పాండ్ దట్ అండ్ యాస్ పర్ ది ఆప్షన్స్ యు నీడ్ టు చేంజ్ దట్ లుక్ ఎట్ ది షేప్ cos square ఏ మైనస్ సైన్ స్క్వేర్ ఉంది కదా ఇక్కడ నాకు వాడు ఒకవేళ ఇఫ్ హీస్ గివింగ్ అన్ ఆప్షన్స్ ఒకవేళ లుక్ ఎట్ దిస్ గైస్ ఇఫ్ హీస్ గివింగ్ అన్ ఆప్షన్స్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ దెన్ ఐ షుడ్ చేంజ్ దిస్ అర్థమవుతుందా ఇఫ్ హీస్ గివింగ్ ఆప్షన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ చేంజ్ దిస్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ ఆప్షన్ దెన్ చేంజ్ దిస్ ఓకే మై పాయింట్ గెటింగ్ మై పాయింట్ షట్ అప్ సీ హీ హాస్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కాస్ హియర్ సో ఐ చేంజ్డ్ దిస్ సైన్ ఐ చేంజ్డ్ యాస్ కాస్ లుక్ ఎట్ దిస్ ఇఫ్ హీస్ గివెన్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ దెన్ ఐ షుడ్ చేంజ్ దిస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ సైన్ సార్ నో అండ్ రైట్ ద ఆప్షన్ అకార్డింగ్లీ వెరీ సింపుల్ ఆప్కు గైస్ ఎవ్రీవన్ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ చలో ఈ క్వశ్చన్ ఆల్రెడీ మనం సాల్వ్ చేసాము కాకపోతే మళ్ళీ సాల్వ్ చేయము ఓకే నో ప్రాబ్లం ఇది కొంచెం సార్ సీకెంట్ ఇస్ x స్క్వేర్ మైనస్ 1 బై 2x yes
guys, look at this. Already when we solved this, like two times I have solved in the class. What he has given here, secant theta plus tan theta, right? Secant theta plus tan theta. Secant theta plus tan theta, itla. Look at this here. Secant theta plus tan theta is equal to x given, right? So can I multiply and divide with something here? Like here a plus b undi, Anujip. So nenu a minus b raavadaniki em cheyali? Sir, secant minus. Forgetting minus a minus b, yes. So shall I multiply and divide with the secant theta minus tan theta? ఇలా చేయొచ్చా ఎస్ ఆర్ నో నీకు హౌ యు ఆర్ గెటింగ్ అన్ ఐడియా ఆకు ఐడియా కైసా ఆ రా దేకు మేరే పాస్ ఏ ప్లస్ బి హావ్ ఇట్ కెన్ ఐ రైటింగ్ ఇఫ్ ఐ రైట్ ఏ మైనస్ బి సో దట్ ద న్యూమరేటర్ బికమ్స్ వాట్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ ఇజ్ ఇట్ 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 బికమ్స్ 1 అవునా కదా అనుదీప్ ఐ థింక్ హి హస్ లుక్డ్ ఎస్ సర్ హా లుక్ అట్ దిస్ ఏ స్క్వేర్ మైనస్ బి స్క్వేర్ సో సీకెంట్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ టాన్ స్క్వేర్ తీటా సో డివైడెడ్ బై secant theta minus tan theta. Next question you need to solve. ठीक है similar way. ठीक है तो one minus secant theta minus tan theta is equal to x का था. और ना का था. इप्पन आपको ना कहेंगे वाले secant theta का वाले. So let it be let reciprocal this. तो what would I get? 1/x. Yes or no? ना कि इप्पन secant theta मोस्ट चपना आपको. Yes sir. Secant theta मोस्ट sorry. Secant theta मोस्ट sorry. 1/x plus tan theta. So, but option is given in terms of x, right? And the x lo ichinchadu vadu. Yes, sir. So, naaku telisindi enti ante ikkada ippudu chudu nenu. How can I write this? Sir, now you can compare. Yes, look at it here. Yes, yes, look at it here. From this, tan theta can be written as what? X minus secant kada. Avuna raayachaleda? Or? Sir, why not just add both of the equations we got secant yes, plus yes, yes, tan yes, is equal to yes yes aap kaisa bhi kar sakte ho bhai you know calculation pad hai na dekho main let me write this as kuch bhi le lo star equation this is a star equation mere paas ye hashtag hai theek hai add star and hashtag to kya milega aapko star plus hashtag to secant add karenge to 2 times of secant theta is equal to x plus 1 by x khatam secant theta mujhe chahiye ye to beautiful way तो 1 by x by 2 ठीक है तो secant theta is equal to x square plus 1 by 2x అనేది అర్థమైందా అర్థమైందా వాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతున్నాడు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లో tan అడుగుతున్నాడు which means same procedure but you need to subtract it ఖతం అర్థమైందా ఇప్పుడు హా చెప్పు 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 here can we just substitute because it's the same question right same question అదే చెప్తున్నా నేను same question look at this here నేను దీన్ని ఎక్స్ తీసుకున్నాను దిస్ ఇస్ మై ఈక్వేషన్ నెంబర్ 1 వాట్ ఇస్ మై దిస్ ఇస్ మై స్టార్ ఈక్వేషన్ రైట్ వాట్ ఇస్ వాట్ వాస్ మై హ్యాష్ ట్యాగ్ సీకెంట్ తీటా మైనస్ టాన్ తీటా రైట్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 బై ఎక్స్ ఐ గాట్ దిస్ ఇస్ వాట్ మై హ్యాష్ ట్యాగ్ అవునా కదా సేమ్ క్వశ్చన్ బట్ ఐ నీడ్ టు ఫైండ్ టాన్ తీటా హియర్ సో హౌ కెన్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ హౌ కెన్ ఐ ఫైండ్ అవుట్ 1 మైనస్ 2 సారీ స్టార్ మైనస్ హ్యాష్ సో ఇఫ్ ఐ ఇట్లా చేస్తే నాకు ఏమొస్తుంది సీకెంట్ తీటా ప్లస్ టాన్ తీటా ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్ అనేది అర్థమవుతుందా secant theta minus tan theta yes sir equal to 1 by x ipudu subtract chestunna kabatti symbols change ayipothe kada so this will be getting answered 2 times of tan theta naaku tan kavalante I should subtract x minus 1 by x then naaku appudu em answer em avutadu chudu naaku tan theta is equal to x square minus 1 by 2x kada yes or no ardham avutunda aapko samajh aa raha beta आया समझ इसमें yes. कुछ लेकिन बड़ा क्वेश्चन नहीं है द ओनली थिंग यू नीड टू मेक श्योर दैट ही देखो आपको ये आइडिया ना गेटिंग दिस वन गेटिंग एन आइडिया फॉर दिस स्टेप इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है इसको आइडिया कैसे आना चाहिए देखो मेरे पास ए प्लस बी है तो मुझे क्या बनाना है तो वॉट शुड आई मल्टीप्लाई डिवाइड सो दैट माई द कैलकुलेशन वुड बिकम ईजी ठीक है ए प्लस बी है तो मैं ए माइनस बी से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो मेरा न्यूमरेटर बन जाएगा एक आफ्टर द स्प्लिटिंग after that you know adding both the equations get the answer okay yes so this is what the today's class is all about beta so all the best to everyone of you all the best to everyone of you and do well and yes don't be nervous in exam you know take it easy don't attempt the questions whichever you do not sure of and don't attempt any question whichever you are not sure about okay aapko jo bhi question sahi se ekdam
पर्टिकुलरली पता है तभी तो अटेम्प्ट करेंगे हम लोग, उसके अलावा क्वेश्चन को छींगे भी नहीं, ठीक है? कोई बात नहीं, 50 50 out of 50 अटेम्प्ट करने का कोई ऐसा लाइक यू नो जरूरत नहीं है. यस 40 मैक्सिमम लाइक यू नो यू कैन अटेम्प्ट, लाइक यू नो इफ यू अटेम्प्ट 40 out of 40 ऑल्सो लाइक यू विल गेट गुड मार्क्स, बट मेक श्योर दैट फर्स्ट 16 इज गोइंग टू बी काउंट. इवन यू अटेम्प्ट सेकंड क्वेश्चन टू 28th क्वेश्चन, फर्स्ट 16 इज गोइंग टू बी काउंट. आप कोई गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है? वट एवर द क्वेश्चन यू आर श्योर अबाउट दैट ओनली यू नीड टू अटेम्प्ट, वट एवर द क्वेश्चन यू डोंट नो स्किप इट. ठीक है, ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू सर. थैंक यू सर. मे गॉड ब्लेस यू ऑल. थैंक यू. Thank you, sir. Bye. Bye.